ये टोयोटा करोला 2019 मॉडल है, इसमें ये इशू आ रहा है कि लॉक अनलॉक नहीं हो रही है गाड़ी, जो इसके डोर है ना वो लॉक अनलॉक नहीं हो रहे। ये देखें वो सामने इसका खड़ा है लॉक सामने, ये मैं प्रेस कर रहा हूँ कोई रेस्पॉन्स नहीं है। सही है, जो इसकी सिक्योरिटी वाली लाइट है ना वो अभी ऑन है। सिक्योरिटी वाली जो लाइट है ना इसकी ब्लिंक कर रही है, अभी वो बुझ जाएगी जैसे ही इग्निशन ऑन करेंगे ना। ठीक है, वो लाइट भी ऑफ हो गई है अभी। अभी गाड़ी को सेल्फ लगाते हैं, ये स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है लेकिन जो इसके डोर है ना वो लॉक अनलॉक नहीं हो रहे। तो पीछे पिलर में इसकी चेसी लगी है, उसमें चेक करते हैं कि उसमें 12 वोल्ट प्लस और ग्राउंड जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो कवर लगा है ना इसमें लॉक लगे हैं। ठीक है, और ये इसकी चेसी लगी है, ये वाली इसकी चेसी है। इसका ग्रिप निकालते हैं। ठीक है, इसका ग्रिप हमने डिस्कनेक्ट कर लिया है, इसके ग्रिप में हम चेक करते हैं। इधर करके आओ थोड़ा। ये वाली जो इसकी वायर है ना इसमें 12 वोल्ट प्लस के होंगे, और ये वाली जो इसकी वायर है इसमें ग्राउंड होगा। ठीक है, इसमें ग्राउंड होगा। ये क्या कहते हैं डोर लॉक अनलॉक चेसी का ग्रिप है। ये वाली जो वायर है ना इसमें 12 वोल्ट प्लस के आएंगे, और ये वाली जो है इसमें ग्राउंड में आएंगे। ठीक है ना, टेस्टर से बेहतर है आप मल्टीमीटर से इसको चेक करें। मल्टीमीटर को हमने इधर डीसी वोल्ट पे रखे है। ठीक है, डीसी वोल्ट पे रखे है, अभी हम इसमें चेक करते हैं। माइनस वाली थ्रू माइनस पे लगा दिया है और प्लस वाली प्लस पे लगा दिया। 12.44 वोल्ट, इसका मतलब है कि इस चेसी में ना इग्निशन का करंट भी आ रहा है और ग्राउंड भी। अब ये वाली जो दो वायर है ना इनको चेक करते हैं ईसीएम तक। ये वाली जो दो वायर है ना इनको चेक करते हैं, ये फ्यूज बॉक्स तक ठीक जा रही है, बीसीएम तक अंदर वाला जो बीसीएम है उधर तक चेक करते हैं ठीक है या नहीं। बस गए, ये इधर वायर पीले तार में लगाइए। मल्टीमीटर को हमने अभी बी पर इधर सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये बी पर सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अभी हमने पीछे येलो वायर में लगाया, तो इस यहाँ येलो वायर तक चेक करेंगे। येलो वायर फ्यूज़ बॉक्स के यहाँ से इस कनेक्टर तक ठीक है। ठीक है, ये ठीक है। अब हम दूसरे में लगाते हैं, दूसरे में चेक करते हैं। ठीक है, ये दूसरी यहाँ पे नहीं बोल रही, पीछे लगाते हैं दूसरी वायर में, देखते हैं बोलती है या नहीं बोलती। हमने येलो वायर में लगा दिया है। ठीक है, नहीं इस ग्रीन में लगा दिया है। येलो वायर तो हमने चेक कर लिया, ग्रीन में लगाया हुआ है। इधर भी हमने ग्रीन में लगाया हुआ है, हमने ग्रीन में लगाया है। ठीक है, यहाँ पर बीप क्या कहते हैं अलार्म नहीं दे रही, इसका मतलब ये है ये जो वायर आ रही है ना डोर अनलॉक वाली चेसी वाली लॉक अनलॉक वाली वायर, ये रास्ते में ना कहीं से ब्रेक है। तो इसको चेक करते हैं, यहाँ से हम चेक करते हैं इसको, यहाँ से चेक कर रहे हैं ना, यहाँ पर भी ये बीप नहीं दे रही। ठीक है, यहाँ पर बीप नहीं दे रही, पीछे से चेक करते हैं इसको इसी जगह से। ये है इसकी वायर। ठीक है, ये वाली जो वायर है ना यहाँ से इसकी ब्रेक है, यहाँ से इसको यहाँ पर ज्वाइंट करते हैं और आगे आपको फिर दोबारा चेक करवाते हैं। ये अभी हम क्या कहते हैं आरजी इसे ज्वाइंट कर रहे हैं, फिर हम इसे क्या कहते हैं सही से ज्वाइंट करेंगे। आगे दिखाते हैं, ये देख रहे हैं आप भी माशाल्लाह से अलार्म दे रही है। ठीक है, अब डोर लॉक अनलॉक करते हैं, दिखाते हैं आपको डोर लॉक अनलॉक भी होंगे। ठीक है, माशाल्लाह से अब लॉक अनलॉक होने लगे हैं।